नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी YouTube चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है, इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए कंप्यूटर के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में रैंडमली किसी न किसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में जो हम जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हिंदी में होंगे। 10 प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हो चुके हैं उन्हीं से हमने कलेक्ट किए हैं, ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हिंदी में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो है कमिट किया था कि हिंदी में प्रश्न प्रोवाइड कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं इस वीडियो का कि पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में डैश निहित था। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें किसका इस्तेमाल किया गया था? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, और वैक्यूम ट्यूब्स को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। और वैक्यूम ट्यूब्स यानी कि जो वॉल्व होती हैं वो आपको कुछ इस तरह की दिखाई देते हैं। इस तरह की जो ट्यूब्स होती थी वो कि आपके पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज की गई थी। और जो आपका पहला कंप्यूटर था उसमें जो है 18,000, लगभग 18,000 जो है वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए उसके अंदर 18,000 इस तरह के लाइट बल्ब होते थे, जब वो जलते थे तो काफी ज्यादा जो मात्रा में गर्मी पैदा करते थे। दूसरा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जूम प्रतिशत, आप मैक्सिमम किसी भी स्लाइड को कितने प्रतिशत अधिक बढ़ा करके जूम कर सकते हो? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अधिकतम जो है हम उसको 400% तक जूम करके देख सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो, मैंने जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो स्लाइड था उसका जो जूमिंग स्केल है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया है। इसके अंदर आप देख सकते हो मिनिमम कम से कम हम 10% और अधिकतम हम जो है 400% तक जो है हमारे पेज को जो है जूम करके देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प आपको डॉक्यूमेंट में पेज नंबर, टाइटल आदि की सूचना देता है? तो कौन सा ऑप्शन होता है एमएस वर्ड के अंदर जिससे हमें हमारे डॉक्यूमेंट का जो पेज है उसका पेज नंबर पता चलता है और टाइटल के बारे में जानकारी मिलती है? तो अगर हम हमारे पेज के अंदर हेडर डाल देते हैं, फुटर डाल देते हैं और फुटर में कोई जानकारी लिख देते हैं या फिर हेडर में लिख देते हैं, तो हर एक पेज पर वो लाइन आपको देखने को मिलती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो आपका टाइटल कहलाता है। हम वहां पर टाइटल भी लिख सकते हैं या फिर इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं। और वहां पर जो आपको डिफॉल्ट में कुछ ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, ऐसे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं हेडर और फुटर के लिए, कि वहां पर डिफॉल्ट में आपको जो है पेज नंबर भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं? ये सब हमें हेडर और फुटर ऑप्शन में जाकर के मिलते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हो मैंने हमारे एमएस वर्ड की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आप देख सकते हो इंसर्ट टैब के अंदर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, हेडर और फुटर। इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, हेडर, फुटर और पेज नंबर, ठीक है। तो पेज नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो पेज नंबर आपके आएंगे, और ये लेकिन ये भी आपके हेडर और फुटर में ही लिखे जाएंगे। तो ये सब कहाँ पर होते हैं? आपके हेडर और फुटर में मिलते हैं, जहाँ से जहाँ पर आप जो अपने डॉक्यूमेंट के टाइटल लिख सकते हैं, पेज नंबर देख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके प्रकार होते हैं? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो होते हैं ये पेज ओरिएंटेशन कहलाते हैं, यानी कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने से पहले आपको दिखाया जाता है कि आपका जो पेज है उसका ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि प्रिंट करने के बाद वह जो पेज है वो सीधा प्रिंट होगा या फिर टेढ़ा यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये क्या होती है? आपके पेज ओरिएंटेशन कहते हैं। पोर्ट्रेट यानी कि सीधा और लैंडस्केप यानी कि टेढ़ा। जब आप अपने मोबाइल को जो है सीधा रखते हो तो वो आपका पोर्ट्रेट होता है, जब आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप में देखते हो, जैसे आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हो तो ये वीडियो इस समय लैंडस्केप स्क्रीन पर चल रहा है, लेकिन पोर्ट्रेट क्या होता है? सीधे में होता है। इस इमेज में आप देख सकते हो मैंने फिर से हमारे कंप्यूटर की जो एमएस वर्ड की स्क्रीन उसका स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं पेज लेआउट के अंदर, ठीक है, पेज लेआउट के अंदर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ओरिएंटेशन का। इस पर आप क्लिक करने पर देख सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यानी कि आपका पेज सीधा प्रिंट होगा और लैंडस्केप यानी कि आपका पेज लैंडस्केप इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, जिसमें आप जब लिखेंगे तो जानकारी जो है जो लाइनें होंगी वो ज्यादा अधिक लंबी आपको दिखाई देंगी। पांचवा प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार के ब्रैकेट HTML टैग को बनाने में सहायक होते हैं? तो HTML का जब हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, कोई वेब पेज बनाते हैं, किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर, टेक्स्ट एडिटर कौन से होते हैं? आपके नोटपैड है एक टेक्स्ट एडिटर है, इसके अलावा एक सबलाइम का टेक्स्ट एडिटर होता है, इसके अंदर आप जो है HTML के जो है वेब पेज तैयार कर सकते हो। तो उन टैग को लिखते समय HTML के जो HTML है, हेड है, टाइटल है, तो इस तरह के जो टैग होते हैं उनको लिखते समय हम जो है एंगुलर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहां पर आपका
सही है। गणित में इन्हें हम जो है लोअर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इस तरह के अलग अलग नामों से भी जानते हैं। और HTML की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस इमेज में आप देख सकते हो ये HTML का जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि HTML लैंग्वेज को लिखने का सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले आप लिखते हो HTML, उसके बाद उसके अंदर लिखते हैं हम हेड, हेड के अंदर हम टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है, जो पेज का आपका टाइटल होता है। उसके बाद जो बॉडी टैग आप देख सकते हैं, ये जो बॉडी टैग होता है, इस बॉडी टैग के अंदर हम जो भी जानकारी लिखते हैं, इंटरनेट पर आपने देखा होगा जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो उस वेबसाइट के अंदर आपको जो भी दिखाई देता है वो सारा का सारा आपको इस बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। तो बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमें इंटरनेट पर, वेबसाइट पर, वेब पेज में दिखाई देता है। छठा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम को डैश बी कहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके आते हैं जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं जो किसी पर्टिकुलर विशेष काम को बनाने करने के लिए तैयार की गई होती हैं, जैसे कि आपका एमएस वर्ड, पेंट, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्ड पैड, जितनी भी एप्लीकेशन है जो किसी अलग अलग काम को करती हैं वो आपकी क्या होती है, वो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। इसके अलावा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दूसरी एप्लीकेशंस को, ठीक है, काम करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ठीक है, इसके अलावा एप्पल का मैक है, तो ये सब क्या है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो में आपकी विंडो की एप्लीकेशन चलेगी, मैक जो जो आप एप्पल का जो होते हैं कंप्यूटर होता है उसके अंदर मैक की जो iOS की एप्लीकेशन होती है वो ही चल पाती है उसमें, जो आपकी ना तो एंड्रॉयड की चलेंगी और ना ही आपकी विंडो की चलेंगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म होता है जो अपने ही प्रकार की जो है अलग अलग एप्लीकेशन को उस प्लेटफॉर्म पर काम करने की अनुमति देता है। सातवां प्रश्न है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डैश का प्रयोग किया जाता था, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैसे तो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था टेक्नोलॉजी के तौर पर, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था? तो उस समय जो है प्रोसेसिंग के लिए बैच प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता था। अब बैच प्रोसेसिंग होती क्या है? तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि बहुत सारा डेटा उसके अंदर इनपुट किया जाता है, और जब सारा का सारा डेटा इनपुट कर दिया जाता है तो लास्ट में उस सारे डेटा को जो है, ठीक है, एक साथ कैलकुलेट किया जाता है, एक साथ प्रोसेस किया जाता है, तो उसे हम जो है बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। बैच यानी कि इकट्ठा करके सारे डाटा को प्रोसेस करना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एमएस वर्ड के अंदर आप जो है जब लिखते हैं तो आप थोड़ा बहुत लिखते हैं तो कंट्रोल सेव से आप उसको सेव कर, बीच में सेव कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें पूरा पेज तैयार कर देते थे, ठीक है, या फिर कोई भी पूरी सवाल लिख देते थे और पूरा सवाल लिखने के बाद ही उसको जो है रन किया जाता था, ठीक है, उसको प्रोसेस किया जाता था, तो उसे बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। नीचे डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड बैच प्रोसेसिंग इज द रनिंग ऑफ जॉब्स दैट कैन रन विदाउट एंड यूजर इंट्रैक्शन और कैन बी शेड्यूल्ड टू रन एज रिसोर्स परमिट, यानी कि इसके अंदर, ठीक है, एक टाइम शेड्यूल किया जाता है कि भैया इतने टाइम के बाद ये प्रोसेस होगा, या फिर सारा का सारा डेटा इकट्ठा करके ये प्रोसेस होगा। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है आज के समय में आपके घरों में जो बिजली का मीटर होता है उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा पूरे महीने जो है जो बिजली आप यूज करते हो तो पूरे महीने की जो रीडिंग होती है उसको वो है कैलकुलेट करता रहता है, कैलकुलेट करता रहता है, और बिजली के जो कर्मचारी होते हैं विभाग से वो आते हैं, रीडिंग लेते हैं और चले जाते हैं। तो रीडिंग लेने के बाद फिर वो क्या करते हैं, यूनिट को कैलकुलेट करते हैं कि भाई पूरे महीने की इतनी रीडिंग हो गई आपकी, और इकट्ठा करके प्रोसेसिंग करके आपका जो है बिजली का बिल तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग क्या होती है कि बहुत सारे डेटा को, ठीक है, इकट्ठा करके प्रोसेस करना बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। आठवां प्रश्न है, एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक न्यूनतम और अधिकतम जूम साइज है? तो एमएस वर्ड के अंदर हम कम से कम और अधिकतम किसी भी पेज को कितना जूम कर सकते हैं? तो कम से कम तो आप सब जानते हैं कि 10% कर सकते हैं, और अधिकतम हम कितना कर सकते हैं, 500% कर सकते हैं। तो आपने देखा था कि पावर पॉइंट के अंदर हम 400% तक जूम कर सकते हैं, लेकिन एमएस वर्ड के अंदर हम जो है हमारे पेज को 500% तक जूम करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। इस इमेज में भी आप देख सकते हो कि कम से कम हम इसको 10% जूम कर सकते हैं और अधिकतम हम इसे 500% तक जूम करके देख सकते हैं। ये मैंने एमएस वर्ड जब हम काम कर रहा था तो उस समय हमने जो है जो हमारा ये जूमिंग स्केल होता है, हम जूमिंग स्केल कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। नौवां प्रश्न है, एक ऑफलाइन डिवाइस क्या होता है? तो ऑफलाइन डिवाइस कौन सा होता है? हर एक वो डिवाइस जो आपके सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है, हमारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ
नहीं है, वो आपका ऑफलाइन डिवाइस कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्ट नहीं है। 10वां प्रश्न है, ऑक्सिलरी मेमोरी को डैश भी कहा जाता है, तो ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहते हैं? तो जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी यानी कि बाहरी मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, जितने भी मेमोरी कार्ड होते हैं, आपकी जो पेन ड्राइव, यूएसबी पेन ड्राइव होती है, वो सब आपके जो है सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिन्हें हम जो है जिनके अंदर डेटा स्टोर करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा प्रथम सेकेंडरी हो गया दूसरा, और एक होता प्रथम यानी कि प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? जो आपकी रैम है और जो आपकी रोम है, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपकी हार्ड डिस्क, इसके अलावा आपकी पेन ड्राइव, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, जितने भी अदर स्टोरेज डिवाइसेज हैं वो सब आपके क्या है, वो आपके ऑक्सिलरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, और प्राइमरी मेमोरी में आती है आपकी रैम और रोम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।